सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओटीटी वाला। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस हफ्ते यानी कि 6 मई से लेके 11 मई के बीच बीच में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ नया देखने को मिल जाएगा, कौन कौन सी नई मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है इस पूरे हफ्ते में, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 मई को क्या कुछ आज रिलीज हो चुका है। तो आज सिर्फ एक पंजाबी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है लकीरा। ये मूवी आपको चौपाल टीवी के पर आज देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 मई को क्या कुछ रिलीज होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एक सीरीज है जिसका नाम है सुपर रिच इन कोरिया। इसका सीजन 1 आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 7 मई से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक मूवी जिसका नाम है द बॉयज। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जिसको सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर 7 मई से रिलीज कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 मई को क्या कुछ रिलीज होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एक सीरीज है जिसका नाम है द फाइनल अटैक ऑन वेम्बली। इसका सीजन 1 आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 8 मई से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है गीतांजलि माली वचिंदी। ये मूवी भी आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर 8 मई से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9 मई को क्या कुछ रिलीज होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एक मूवी है जिसका नाम है मदर ऑफ द ब्राइड। ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 मई से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एक सीरीज जिसका नाम है बॉडकिन। इसका सीजन 1 आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के 9 मई से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक सीरीज जिसका नाम है थैंक यू नेक्स्ट। इसका सीजन 1 आपको 9 मई से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक सीरीज जिसका नाम है मैक्सटन हॉल। इसका सीजन 1 आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 9 मई से प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक मूवी जिसका नाम है ट्रिनिल। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 9 मई से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है अवेशम। काफी सारे लोग इसकी भी ऑलरेडी रिलीजिंग का वेट कर रहे थे, तो आप फाइनली ये मूवी 9 मई से प्राइम वीडियोस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी आपको सबसे पहले। और फिर एक मंथ के बाद इस मूवी को हिंदी के साथ रिलीज किया जाएगा प्राइम वीडियोस के ऊपर ही। जब भी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 मई यानी कि इस फ्राइडे आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले एक मूवी है जिसका नाम है वेंजियंस। ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक माई शो के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है एक सीरीज जिसका नाम है कुकिंग अप मर्डर। इसका सीजन 1 आपको 10 मई से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और सीरीज है जिसका नाम है द अल्टीमेट साउथ अफ्रीका। इसका सीजन 1 आपको देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर 10 मई से। नेक्स्ट है हमारे पास एक मूवी जिसका नाम है लिविंग विद लेपर्ड्स। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 10 मई से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है योद्धा। ये मूवी आप फाइनली प्राइम वीडियोस के ऊपर प्राइम मेंबरशिप के साथ देखने को मिल जाएगी 10 मई से। नेक्स्ट है एक सीरीज जिसका नाम है अनदेखी। इसका सीजन 3 आप सोनी लिव के ऊपर 10 मई से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक सीरीज जिसका नाम है ब्लड ऑफ ज्यूस। इसका सीजन 2 आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 10 मई से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सीरीज जिसका नाम है प्रीटी लिटिल लायर्स। इसका सीजन 2 आपको 10 मई से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक मूवी जिसका नाम है द मार्श किंग्स डॉटर। ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 10 मई से लाइन्स गेट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एक और मूवी जिसका नाम है रोमियो। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 मई से देखने को अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट एक सीरीज जिसका नाम है मर्डर इन माहिम। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास मूवी जिसका नाम है 8 AM मेट्रो। ये मूवी आपको G5 के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी 10 मई से। नेक्स्ट है एक और मूवी जिसका नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। ये मूवी G5 के ऊपर 10 मई को आने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है G5 की तरफ से। लेकिन फिर भी हम अगर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की माने तो ये मूवी 10 मई को आपको G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11 मई को क्या कुछ रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी है जिसका नाम है डॉक्टर हु। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 11 मई से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको इस हफ्ते थिएटर्स में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। ये मूवी आपको 10 मई को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंडियन थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है एक हिंदी मूवी जिसका नाम है श्रीकांत। ये मूवी आपको 10 मई से थिएटर्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एक पंजाबी मूवी जिसका नाम है शिंदा शिंदा नो पापा। ये मूवी भी आपको 10 मई से ही थिएटर्स में देखने को अवेलेबल हो जाएगी। तो यही थी इस हफ्ते यानी कि 6 मई से लेके 11 मई के बीच बीच में रिलीज होने वाले ओटीटी पे कुछ नई मूवीज और वेब सीरीज और कुछ थिएटर्स में रिलीज होने वाली मूवीज की फुल टू फुल लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक न्यू ओटीटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।